कभी आप सफर में निकले हो और अचानक से आपकी जेब कट जाती है। अब वो जेब कैसे कटती है आपकी, तो जरा सा आप समझ लीजिए। जेब जब काटता है, जेब कतरा तो कैसे काटता है, आप ट्रेन में बस में सफर कर रहे हो तो चार पांच आदमियों का टीम होता है जेब कतरों का, तो आपको चारों तरफ से घेर लेगा जेब कतरा और दो जेब कतरे आपस में किसी न किसी बात के लिए उलझ जाएंगे। उलझने के बाद आपका ध्यान वो दोनों व्यक्तियों के तरफ झगड़े पे चला जाएगा और जो दो तीन व्यक्ति आपके इर्द गिर्द हैं वो मौका पाते ही आपकी जेब तुरंत काट लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सेम टू सेम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार भी एक जेब कतरी सरकार है। अब वो कैसे जेब कतरी है आप समझ लीजिए। अभी पूरे देश के अंदर चाइना पे सबका ध्यान है क्योंकि हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, 10 जवान को छोड़ा है चाइना ने। किस तरीके से हर देश के नागरिक का ध्यान बॉर्डर पे है और अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर जो कच्चे तेल की कीमत मात्र अगर भारत में उसकी वो लागत सब चीज लगाई जाए तो मात्र 19 रुपए खर्चा आता है, तो 60 रुपया आपकी जेब से एक लीटर पे काट रही है ये सरकार, पता भी नहीं चलने दे रहा आपको। और सबका ध्यान बॉर्डर पे है, आपको याद होगा। और अभी फिर उसके बाद देखिए सबका ध्यान चारों तरफ है आकर्षित किया हुआ, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा न्यूज चैनल का योगदान है गोदी मीडिया का। 109 ट्रेन को प्राइवेटकरण कर दिया गया, यानी 109 का मतलब 218 ट्रेनों को अप डाउन में, पता भी नहीं किसी को चलने दे रहा है सरकार। और यही सरकार है कि कभी भारत की शान, भारत की आन, आन बान शान रेलवे मेरी जान, नरेंद्र मोदी भाषण में कहते थे, यह कभी प्राइवेटकरण हो नहीं सकता। मुंह से बोलते थे कि पिछवाड़े से बोलते थे, फिर कह रहा हूं क्योंकि इनकी जुबान पे कोई भरोसा नहीं है, बोलना नहीं चाहता वो, अब सब निकल जाते हैं क्योंकि ऐसे ये करते ही हैं। दूसरी चीज, अब प्राइवेटकरण जब होगा कि जो टिकटें आप 500 रुपए में दिल्ली में जा रहे हैं तो आपको 1000 रुपया व्यय करना पड़ेगा, ये हो गई जेब कतरी, खुद भी लूटी और दूसरे को भी लुटवा रही है, देश की जनता को लुटवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की। आपको याद होगा नोटबंदी, नोटबंदी में क्या कहा था इस सरकार ने कि काले धन पे प्रहार है, एक एक माता बहनों का घर का पैसा मोदी सरकार ने निकलवा लिया, काट ली ना आपकी जेब, पता भी नहीं चला। कई बारी बैंकों में, बैंकों के ऊपर 3 बारी भारत सरकार ने इस 6 साल के शासन काल में रोक लगा दिया आपकी ही धन के ऊपर और आपका पैसा आप ही को नहीं दे रहा। तो जीएसटी के नाम पे देखिए 28% टैक्स आपकी जेब से काट रहे, दुनिया के किसी कंट्री में 28% टैक्स नहीं है, 270% डीजल पेट्रोल पे दुनिया की किसी कंट्री में नहीं है। इसीलिए मैंने कहा, अब ये जब बोलते थे कि मैं देश कभी झुकने नहीं दूंगा, मिटने नहीं दूंगा, मैंने कसम खाई है, सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश झुकने नहीं दूंगा, मैं मिटने नहीं दूंगा, मैं बिकने नहीं दूंगा, लेकिन मोदी जी आपने देश की एक एक संपत्ति को बेचने का, गिरवी रखने का काम कर दिया। अब सिर्फ रह गया है ये भारत देश की भूमि, अब इसको चाइना के हाथों में आप 10 किलोमीटर तो आपने बेच दिया, चाइना के हाथों में कितने का सौदा किया, 20 जवान हमारे शहीद कराए, ये सौदेबाजी ही है। और अब अमेरिका को तो पता नहीं ये जेब कतरी सरकार कब आपको गुलाम बना दे विदेशियों के हाथे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिहार का चुनाव है, बिहार का चुनाव है अक्टूबर के अंदर, नवंबर अक्टूबर में, तो भारत सरकार ने कहा है कि हम नवंबर के महीने तक 5 किलो आपको अनाज देंगे, क्योंकि मालूम है सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में यदि कोई मजदूरी करने जाता है तो बिहार के लोग, उनको एक लालच दिया गया है सिर्फ आपको 4 महीने के लिए।
उसके बाद ये सरकार आपको कोई फैसिलिटी नहीं देगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये समझना है आपको कि किस तरीके से इस महामारी कोरोना वायरस के अंदर आप पैदल चल के मरे, भूखे मरे, ये बिहार की जनता कभी मत भूलना। इस जेबकतरी सरकार से सावधान रहना, ये आपका जान लेगा, आपके बाल बच्चों का, आपके परिवार का जान लेगा और उफ तक नहीं करेगा, एक अफसोस भी नहीं जताएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।